बहुत बड़ी खबर, न्यूक्लियर अटैक अगर होता है लंदन पेरिस पर तो क्या होगा? पहले ये ब्रेकिंग देखिए, पुतिन की न्यूक्लियर धमकी के बाद पश्चिम में अलर्ट, न्यूक्लियर हमले की स्थिति का आकलन किया जा रहा है। ब्रिटिश अखबार मेल ऑनलाइन ने किया है आकलन, परमाणु हमले से कितना नुकसान होगा इसका आकलन किया गया है, क्योंकि बार बार रूस की तरफ से धमकी है न्यूक्लियर अटैक की, और न केवल यूक्रेन पर बल्कि अमेरिका को, लंदन को, पेरिस को आंखें दिखाई जाती है। तो इसका एक आकलन किया गया है कि अगर इन शहरों पर यह परमाणु बम गिरता है तो क्या होगा, सेंट्रल लंदन में अगर हमला होता है तो क्या होगा, पेरिस में एफिल टावर के पास अगर न्यूक्लियर बम गिरा तो क्या होगा, न्यूयॉर्क में टाइम्स स्क्वायर पर अगर यह परमाणु बम गिरा तो क्या होगा, इसका आकलन किया गया है। आइए आपको बिग वॉल पर दिखाते हैं, ये जरा ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बताते हैं कि क्या कहा गया है इस आकलन में, क्या कह रही है ये रिपोर्ट। आप देखिए, ये इस तरह से यहां पर सेंट्रल लंदन बकिंघम पैलेस पिघल जाएगा, ये कहा जा रहा है। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। सेंट्रल लंदन में हमले के बाद क्या स्थिति होगी, अनुमानित मौत आप देखिए, 4 लाख से ज्यादा लोग वहां पर मर सकते हैं और घायल जो होंगे वो करीब 8 से 9 लाख के बीच होंगे। ये लंदन का यहां पर आकलन किया गया है। बकिंघम पैलेस देखिए पिघल जाएगा, 10 डाउनिंग स्ट्रीट पिघल जाएगा, ब्रिटिश संसद 100% तबाह हो जाएगी, टावर ब्रिज में घातक रेडिएशन फैल जाएगा, ये सब इस रिपोर्ट में कहा गया है, मेल ऑनलाइन की रिपोर्ट में। न्यूयॉर्क में अगर परमाणु बम गिरा तो क्या होगा, जल्दी से वो भी दिखाते हैं बिग वॉल पर। लंदन आपने देखा, न्यूयॉर्क में क्या होगा, अमेरिका का सबसे मशहूर शहर न्यूयॉर्क में क्या होगा अगर परमाणु बम गिरता है तो, वन वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पिघल जाएगा, ये कहा गया। इसके अलावा आप देखिए, स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी 100% डैमेज हो जाएगी, ये कहा गया है। एम्पायर स्टेट बिल्डिंग में थर्मल रेडिएशन फैल जाएगा, ट्रंप टावर में 3rd degree बर्न होगा, और मौतें कितनी हो सकती हैं, अनुमान ये लगाया गया है कि 7 लाख से ज्यादा मौत हो सकती है और 11 लाख से ज्यादा लोग घायल हो सकते हैं। सीधे मनीष झा के पास चलते हैं, मनीष इस वक्त हमारे साथ हैं। मनीष, भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन ये रिपोर्ट तो बहुत डराती है। बिल्कुल गौरव, देखिए एक बम गिरता है तब तो इतने बर्बादी होती है वो मेरे आंखों के सामने है। न्यूक्लियर बम के इस्तेमाल को लेकर तो मैं यही कहूँगा कि इसे कोई भी देश हो वो बस शुरू कर सकता है, फिर ये कहाँ जाकर खत्म होगा ये किसी को नहीं पता है। लंदन में क्या होगा, पेरिस में क्या होगा, न्यूयॉर्क में क्या होगा, मास्को में अगर गिर गया तो क्या होगा, कहीं भी अगर गिरा, एक बार कहीं मास्को में गिरे, लंदन में गिरे, पेरिस में गिरे, उसके बाद कहाँ कहाँ गिरेगा और कौन कौन लोग बचेंगे और कितनी दुनिया खत्म हो जाएगी कहना मुश्किल है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि लगातार सभी महाशक्तियां उसी दिशा में बढ़ रही है, जब जाकर किसी भी पल वो सिचुएशन आ सकता है जिसकी आशंका। बहुत शुक्रिया मनीष आपका, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और इसीलिए ये वॉर जल्दी से जल्दी खत्म हो। भारत का स्टैंड यही है कि जल्दी से बातचीत के जरिए ये वॉर सुलझाई जाए, खुद प्रधानमंत्री कई बार कह चुके हैं इसको लेकर। ये अपने घर के पास सिर्फ देसी मुर्गियों को पाल कर हर साल 6 लाख कमा रहे हैं। आप भी ये करना चाहते हो तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।